من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يضر من هو ولي الدين ولا يكثر الأخطاء والجود. إذ كل موسم سقط سراع وكل معان مذموم ما قلع والمناع بقواعد النعم وأواعد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مطعم فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي سيد أكل ما في الوجود سر الله في كل موجود وارد الله الحمد والمقام محمود أبي القاعد السيدين الطاهرين المعصومين المجنونين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين سورة مباركة کی تفسیر کے سلسلے میں دارین تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں اور آتی کے حسن میں سماعت کی رہبری میں میں ان آیتوں کی تقریر سے قابل بن رہا ہوں اور اس کی تقریر کو آپ کے خوش میں قبول کے لیے پیش کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ بغیر توفیقہ کے لاگی ہمارے سامنے حال ہیں تو یقیناً ہم اس سورہ کے اختتام تک پہنچ سکیں گے اور بحث میں وجود یہ کرے گا انجام پا جائے گا سر صرف اتنی ہے کہ سبق جہاد کا رخ ایک طرف ہے سر یہ ہے آدمی سوچنے سمجھنے اور غور کرنے کے قابل ہے اس لیے کہ اللہ کے دنیا میں انسان کا ہر نفس مبتلا رہنا اس بات کی دلیل ہے انسان اپنے آپ کو بڑی حد تک اس دنیا اور اس کے ماحول کا کردار سمجھتا ہے اور اس سے
आसानी से निकलना इस इंसान के लिए नामुमकिन है। ये अभी कठिनतर से मुबला हो जाता है। एक तरफ दुनिया और फिक्र दुनिया समझे, दूसरी तरफ मजहब और फिक्र मजहब, थोड़ा सा वक्त मांगे। नतीजा यह होता है कि इस कठिनतर में अक्सर और बीसर अफराध दुनिया ही के होते रह जाते हैं और बहुत कम साज नादे इल्ला मनसा अल्लाह बस वही कुछ होते हैं कि जो अपनी फिक्र मजहब को फिक्र दुनिया पर मोहित कर देते हैं, काबू पा लेते हैं। अल्लाह मुश्किलात मौला कायनात अजीब जुमला ऐसा फरमाया, इसको हमें उम्मीद की सियासी जिंदगी का खुलासा समझिए। वो सियासत के जो आयन इस्लाम है, वो सियासत जो आयन दीन है, वो सियासत जो आयन कुरान है, सियासी हिंदू का खुलासा है। जिला क्या फरमाते हैं कि तुरी तुरी दून अनिल अनफुसकुम व उरीदकुम लिल्लाह, तुम मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे हो कपट के स्वास्थ्य से कि तुम अपने नफ्सों का फायदा ढूंढ रहे हो कि अली बैतुल माल को कितना देगा, अली किसको कितनी हुकूमत देगा, कहां की हुकूमत देगा। तुमने भी तलाश में फिर रहे हो तो तुमको दौड़ के दुनिया मिले, मैं तुम्हारी तलाश में फिर रहा हूँ ताकि तुमको अल्लाह तक पहुंचे। मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ इसलिए कि तुमको अल्लाह तक पहुंचा। तुम ये इरादा कर रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए बैतुलमाल के दरवाजे खोलता हूं, ये उरीदकुम लिल्लाह ये सुन्नत रिसालत है। उरीदकुम लिल्लाह ये अंबिया का चलन है, उरीदकुम लिल्लाह ये सीरत रसूल है। हजरत मूसा का इरशाद है दरबार से आओ अब्दुल इबादल्लाह इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, अल्लाह के बंदों को मेरे हवाले कर दो, मैं रसूल भी हूँ अमीन भी। मैं आया इसलिए कि तेरी गुलामी के सलासल से, तेरी गुलामी की जंजीरों से बंदगा ने खुदा को आजाद कर। तो अल्लाह के वो बंदे जो अपने अपनी जिम्मेदारियों को लेकर मजबूर होते हैं, उनकी अहम जिम्मेदारी यही होती है कि अल्लाह के बंदों को तलब करें सिर्फ इसलिए उनको अल्लाह तक पहुंचाए, अल्लाह का रास्ता। यानी ये अली इंसानों से ताल्लुक नहीं है, अली के साथ कोई अक्सरियत हो इसलिए ताल्लुक नहीं है। जब बाद में ये कहें कि मेरे साथ इतने हजार आदमी थे, अली को इसकी जरूरत नहीं है। क्या सुनाया कि तुम एक और वजह से मेरा साथ देना चाहते हो, मैं एक और वजह से तुमको ढूंढ रहा हूं। ये फर्क है दुनिया और दीन का, जगह इंसान तो दुनिया न छोड़े, वहां बहुत मुश्किल से इंसान फिक्र मजहब के लिए वक्त निकाल सकता है। मुबारक हो आपको कि आप इस तरह से जमा हो रहे हैं और आपको सोचने का मौका मिल रहा है। अच्छा है कि यहां के जाने के बाद भी अगर आप इसी तरह से इसी मसले पर सोचते सोचते आराम फरमाएं, ताकि आपको आपकी जिंदगी मुसलसल मरबूत नजर आए और जिंदगी के मुख्तलिफ लम्हा एक ही फिक्र में गुजर जाए।
वो रातें अच्छी हैं जो इस तरह से बतर हो, वो दिन अच्छे हैं जो हुक्म मजहब की तामीर में कर जाए। बहरहाल आप बहुत बड़ी हद तक हमारे हदीय तबरीज को कबूल करने के काबिल हैं और इस तरह से हम आपको हदीय तबरीज पेश करते हैं कि आपने अपने वक्त की कदर की और एहसास पैदा किया कि कहां तक इस वक्त को सही तौर से बंद होना चाहिए। यदि यह जिंदगी है, यदि यह जिंदगी है और यही वो जिंदगी है कि जिसका जिंदगी में शुमार है, इसके अलावा जिंदगी जिंदगी नहीं है। चौपायों की तरह से जीना, खाना, सोना, ऐसे इज्जत में बदल करना, ऐसे इज्जत में अक्सर न हो कि दुनिया की तलब में दौड़ना, दुनिया के पीछे भागना, ये इशार फरमाया कि ये सही माना में जिंदगी नहीं है, बल्कि ये वो हैवानियत है कि जहाँ इंसान अपने लिए रजा की तलाश, आराम की तलाश, सुकून की तलाश, तवालुद तनासुब की तलाश में सरगर्दा होता है, ये इसकी हैवानियत है। लेकिन इंसानी मंजिल वो है कि जब इंसान को हयात तबई से हयात तकरी तक पहुंचाया जाता है और तबई जिंदगी से निकाल कर इसकी तकरी जिंदगी तक पहुंचाया जाता है तो हयात तकरी में इंसान का बसा करना और हयात तकरी के अहसान की तामील करना, यही वो एक मुनासिब रास्ता है कि जहाँ चल कर हम महसूस करते हैं कि जिंदगी की हकीकत क्या है, जीने का मकसद क्या है। कायनात में जैसा कि कल अक्सर रहा था, हयात बिखरी हुई है, कायनात में हर जगह हयात है, हयात के मुख्तलिफ पहलू हैं, हयात के मुख्तलिफ गोते हैं। फिर हयात ऐसा नहीं कि कहीं रुके कहीं आगे बढ़े, नहीं, हयात मुसलसल है, बढ़ी चली जा रही है, आगे बढ़ी चली जा रही है। मौत एक हालत से दूसरी हालत में तब्दीली का नाम है, मौत एक हालत से दूसरी हालत में तब्दीली का नाम है। कल यही बहस हो रही थी, अर्जमादी मुर्गमो नानी सुदम, अर्जमा मुर्गम जो है न सर्वदम, मुर्गम हैवानियो आदम सुदम, पक्के पर संकल्य मुर्गम चांदी सवाम, हम लय दीगर जन्म अग बसर का बरारम अग मलायक बालोत्पन्न। और इस तरह से हर आन हर गांव हर नफस पर मौत उस तगैर का नाम है जब एक हाल से दूसरे हाल में पहुंचना है। इस तगैर को मीर तकी मीर ने कहा था मांदगी वक्ता, और उनका खास अपना रंग है कि मौत एक मांदगी का वक्ता है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। तो आपने देखा ये दम लेना, दम लेना और उसके बाद फिर आगे बढ़ना, फिर आगे बढ़ना, इस तरह से हयात मुसलसल हो जाती है। सुबह आपको पैदा होगा और वो ये क्या काफिर की हयात भी मुसलसल है, एक सुबह पैदा होगा क्या काफिर की हयात भी मुसलसल है, तो जाहिर है हमारी हिदायत तो कलकत्ता नहीं कर रहा है, हमारी हिदायत तो कुरान कर रहा है। हम कुरान ही से पूछेंगे कि काफिर की जिंदगी को क्या माना है, तो कुरान से ये कहता है कि काफिर की जिंदगी को तुम अपनी तरह की जिंदगी में समझो,
एक वजूद है, एक वजूद है जो मौत से बचता है, मगर जिंदगी मुसलसल है, गैर मुसलसल नहीं है, गैर मजबूत नहीं है, उसको भी आगे बढ़ना है। साध हुआ ये आते ही आए थे यौम तकूम सातू युक्तमुल मुजरमून, जब कयामत कायम होगी तो जुर्म करने वाले कसम खा खा कर ये कहेंगे मा लबसू गैया सातिन, कि हम दुनिया में तो एक साथ से भी ज्यादा न रहे, हमारी जिंदगी कुल एक साथ की है। सजा लेकर कानूनी सकून ये इस तरह की सहमत बांध रहे थे। पालन लगी न उतुल ईमान ईमान, मगर जिनको इल्म दिया गया ईमान दिया गया उन्होंने ये कहा कि कद लबिस्तुम फी किताबिल्लाह इला यौमिल बाद, कुरान ने तो तुम्हारी उम्र मस्तर तक लिखी हुई है, कुरान ने तो तुम्हारी हयात मस्तर तक लिखी हुई है। हाजा यौमिल बाद, आज है वो मस्तर का दिन, लाकिन लकुम कुंतुम ला तालमून, लेकिन तुमको इल्म नहीं था। तो मोमिन को भी महसर तक जीना है, काफिर को भी महसर तक सिर्फ इतना ही है कि जहां अर्शिया के इंसान का वजूद कड़ी होता है वहां हरकत भी कड़ी होती है, जहां वजूद जरूर होता है वहां हरकत जरूर होती है। अगर ईमान कड़ी है तो तकदीर भी कड़ी है, असर भी कड़ी है। अगर कुफ्र कड़ी है तो तकदीर भी कड़ी है, असर भी कड़ी है। कुफ्र करने वाले भी आगे कुछ भेज रहे हैं, पीछे कुछ तो रहे हैं, ईमान लाने वाले भी आगे कुछ भेज रहे हैं, पीछे कुछ तो रहे हैं। उन्ना नहलो मौता वो नक्सुमा कदमुआ, हम लिख रहे हैं कि इन्होंने आगे क्या रवाना किया है और पीछे असर क्या छोड़कर आए हैं, हमने लिख लिया है, हमारे पास है, इनका असर हमारे पास है। तो इनका मुआशरा क्या था, कितनों की हिदायत की, कितनों को बहकाया, कितनों को रास्ते से हटाया, कितनों को रास्ते पर लगाया, अपने अमल से अपने बच्चों की तरबियत कैसी थी, अपनी बेअमली से अपने घराने को कैसे तबाह किया, उस घराने ने दूसरे घराने को किस तरह से तबाह किया, एक की गुमराही से गुमराही की हरकत आखिर तक कैसे पहुंची और इस तरह से गुमराही कहां तक सराय करती गई, ये एक अजीब गरीब मसला है जिसको समझने के लिए एक बात आप समझने की कोशिश करें, और वो ये है कि ये आपके रुस्लो रसाई का सारी दुनिया का तरीका ये है, रुस्लो रसाई का या पैगाम के भेजने का तरीका ये है कि जब आदमी पैगाम भेजता है तो किसी हद तक जाकर, किसी मसाफत तक जाकर पैगाम कमजोर पड़ जाता है, आवाज कमजोर पड़ जाती है, तो उस मकाम पर यह लाजमी हो जाता है मुतमद्दिन हुकूमतों को कि इस पहुंचने वाली आवाज से एक और आले से कभी करके और आगे भेजे, इसको कैरियर कहते हैं। तो ये जगह जगह पर कैरियर लगे हुए हैं कि जहां आवाज कमजोर हुई इन्होंने ताकतवर कर दिया, अब यहां से आप अमेरिका तक बात करेंगे कई मकाम पर कैरियर लगे हुए हैं कि जहां ऐसी आवाज कमजोर पड़ी वहां से कैरियर ने काम किया। बिल्कुल उसी तरह जो हिदायत करने वाला हो या गुमराही फैलाने वाला, जहां से नहीं जाकर अर्शन हयात में कमजोर पड़ता है, या फिर कोई हादी खड़ा हो जाता है, या फिर कोई गुमराह करने वाला खड़ा हो जाता है, और उस तरह से ये हिदायत और गुमराही बड़ी दूर तक इंसान को ले जाती है, बड़ी दूर तक इंसान को ले जाती है। और इस गुमराही में असरात
बाकी रहते हैं हमेशा उस गुमराह करने वाले से जो जिसने पहली मतबा ये तारीफ की, गुमराही की पहली मतलब कोशिश की, इस वास्ते तबीयत पर ये लाजिम है, इंसान की तबीयत पर ये लाजिम है कि वो सोचे कि जुल्म का आगाज कहाँ से है, जुल्म की इब्तिदा कहाँ से, पहला जालिम कौन है, ये इस तरह है, इससे गहन है, इसीलिए सोचता हमको कि पहला जालिम कौन, ताकि वहां से असर को देखते देखते आकर कर जाए कि यहां तक असर पहुंचा, यहां तक असर पहुंचा, और इस असर में हमने ये महसूस किया कि गुमराह होने वाले की पहले जालिम को याद करते रहे और उसी की आवाज को कभी करते रहे, और हिदायत पाने वाले भी पहले हाजी को याद करते गए और इसी तरह से हिदायत को कभी करते गए, यहाँ सबके कयामत का तय हो गया। हमने सबको महफूज कर लिया था, हिदायत को भी जलालत को भी, फकत अतनहा एक शैतान ही की आवाज नहीं है जो आज तक आ रही है, बल्कि रास्ते में सयाती में इनसे हम खड़े हुए हैं जो करियर बनकर इसके पैगाम को पहुंचाते चले जाए आगे दौर में। बिल्कुल बिल्कुल तरह एक ही हाजी का काम नहीं है, बल्कि 1,24,000 पैगम्बर के खात्मे पर जब सरकार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा फरमा हुए तो उन्होंने सिलसिले हिदायत को कयामत तक के लिए बाकी रखा, और उस तरह से बाकी रखा कि कहीं किसी मकाम पर किसी दौर में कोई ये न कहे कि हमारा मरकज कहाँ है, हम किसकी तरफ रुख करें, हम किसकी तरफ मुतवज्जे हैं, और यही वो मंजिल तवज्जो है कि जहां हम ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी और हमारी मौत जो भी हो उसके लिए रुख एक हो, तवज्जो का मरकज एक हो। इन्ना सलावती वो निसफी वो महयारा हमारी बंदगियां, हमारी हयात, हमारी मौत अल्लाह ही के लिए है जो आलमीन का रब है, वही है जो आलमीन का रब है, ये हयात दूसरी के लिए है, ये मौत दूसरी के लिए है। अब जो इस तरह से सुपुर्दगी की मंजिल पर आ जाता है तो वहां वहां अगर बसारत पूरी तरह काम नहीं करती तो हाजी अपनी बसीरत से इसकी बसारत को और रोशनी देता है, वहां अगर समाहत पूरी तरह से काम नहीं करती तो हाजी अपने एजाज से उसके समाहत के की ताकतों को और उजागर कर देता है, वहां दिल अगर सहन के काबिल न हो तो हाजी उस दिल को सहन के काबिल बना देता है, मगर वहां तवज्जो ही हक की तरफ न हो, वहां तवज्जो ही हक की तरफ न हो, वहां तेज बसारत गोया अंधापन है, वहां बड़ी कुवत वाली समाज गोया सहरापन है, वहां अच्छे खासे दिल गोया नाफहम है। ये है कुरान की गुफ्तगू, इरशाद हुआ कि मा यस्तवि अहया, जिंदा और मय्यित ये दोनों बराबर हैं, हयात रखने वाले मौत रखने वाले ये दोनों एक साथ नहीं है। इरशाद फरमाया कि अय हकीक इन्नल्लाह जिसने मन यशा वो मा अंता बे मुस्लिम मंसिल कबूल, अल्लाह जिसको चाहता है अपनी आवाज सुना देता है, मगर जब तुम अपनी आवाज इनको सुनाओगे तो खबरों में है,
तो जाहिर है कि नबी कब्रिस्तान में तो तबलीग नहीं कर रहा था, नबी कब्रिस्तान में तो तबलीग नहीं कर रहा था, नबी तबलीग कर रहा था सुनने वाले इंसानों में, मगर जिन इंसानों की तवज्जो नबी की तरफ नहीं है, खुदाबंद अली आला उनको कह रहा है कि तो गोरस्तान है, ये कब्रिस्तान है, ये सब खबरें हैं, उनको अपनी आवाज क्या सुनाओगे। तो अब आपने देखा उनके कब्रिस्तान में नबी की आवाज नहीं जाती, ये कुरान के अल्फाज है, मां अंतर मुस्लिम मंजिल हजूर, ये खबर वालों को सुनाओ तो तकलीफ करेंगे। कब्रिस्तान में नबी की आवाज नहीं जाती, यानी माना ये कि मैं अगर उस मंजिल तक पहुंचाए जिसको खबर करते, तो फिर यह एक और बात याद रखने का काबिल है, वो ये अब दुनिया अमल वाला हिसाब वाल आखिरत हिसाब वाला अमल, दुनिया अमल की मंजिल है, हिसाब नहीं है, आखिरत हिसाब ही हिसाब है, अमल नहीं है, आखिरत हिसाब ही हिसाब है, अमल नहीं है। तो दुनिया अमल की मंजिल है, यानी आप खबर सत्तर चाह चुके, अब किसान के क्या करोगे, अभी तो अमल भी बेकार है, अगर तो खबर के हिसाब से लाओगे भी तो बेकार है, इसका वक्त गलत है। ये अजीब कुल्लिया है, जिस कुल्लिए को एक बहुत बड़ी हिकमत के जरिए से उसकी एक तकलीफ की गई, एक नई राह निकली, और वो राह ये थी कि दुनिया अमल है हिसाब नहीं है, और आखिरत हिसाब है अमल नहीं है, मगर एक सत्र, मगर एक सत्र, और वो ये कि वहां मौत मस्ती न करे, जहां हयात पर मौत गालिब न, जहां हमको हिदायत की जाए तो खबरदार उनको मुर्दा न कहना, उनको लेकर जाए कहा उनको मुर्दा न कहना, वहां आप जिंदगी मुसलसल, जिंदगी मुसलसल नहीं, सब अमल ही अमल है, अमल ये आज दिन जो उनसे हो रहा है उसको भी शुमार किया जा रहा है, वो भी निकले है, तो इन्होंने आज ये किया, कल ये किया, और इस तरह से कयामत तक शहीद की जिंदगी का हर अमल लिखा जाता रहेगा, इस वास्ते कि वह अमल ही अमल है, हिसाब के लिए कुछ कहते हुए पास अदब माने हैं, पास अदब माने हैं, तो हिसाब भी होगा तो नहीं होगा, हर अमल खुद हिसाब बनता जा रहा है, हर अमल खुद सुनता जा रहा है और ऐलान करता जा रहा है कि इस अमल के बाद कोई मंजिल ही नहीं है हिसाब की, इस मंजिल के बाद कोई अमल कोई ऐसा मकान ही नहीं है जहां हिसाब लिया जाए। इसलिए कुरान मजीद में इन आयतों को कभी आप गौर से पढ़ें, रुक कर जहां लग आ जाए बेगैर हिसाब, बेगैर हिसाब, जहां भी आए जरा हिसाब नहीं है, रिस्क देते हैं तो बगैर हिसाब, लेकियां अता करते हैं तो बगैर हिसाब, और फिर इनके नाम आमाल में जब हम लिखते हैं हसन आपको तो बगैर हिसाब। तो आपने देखा दुनिया अमल की मंजिल है, आखिरत हिसाब की मंजिल है, आखिरत अमल नहीं है, दुनिया हिसाब नहीं है, लेकिन वो हस्तियां जहां मौत मत न करे, इसी मंजिल को मैंने कभी कहा था जो और इकबाल के फलसफे में भी इसकी वजाहत की है कि फरिश्ता मौत का छूता है जो बदन तेरा, इकबाल ने मौत की तारीफ की है, फरिश्ता मौत का छूता है जो बदन तेरा, तेरे हयात के मरकज से दूर रहता है, तेरे हयात के मरकज से दूर रहता है, मरकज हयात और है, मरकज हयात और है, और बगैर मरकज कायनात नहीं है, बगैर मरकज कायनात नहीं है, जर्रे की जिंदगी उसका न्यूक्लियर है,
तो इसका मरकजी हिस्सा है जो सारे जंजारों की जिंदगी का मोहित है। नबातात की जिंदगी जाहिर है एक मरकज रखती है, एक मरकज रखती है जहाँ नसीब नुमा इसकी रूनीदगी इसकी सालोदारी जमी पर बहस की जाती है। मरकज है हैवानियत की जिंदगी, मरकज है इंसान की जिंदगी, एक मरकज रखती है। हर इंसान में जैसा कि कहा जाता है दिल मरकज है, दिमाग मरकज है, बगैर मरकज बगैर न्यूक्लियस कोई चीज नहीं है। मगर कुरान ये बतला रहा है कि ये जो हम लिखते हैं, ये जो हम महसूस कर लेते हैं कि भेजा क्या और थोड़ा क्या, ये जो हम लिख लेते हैं कि तकदीर क्या है और तासीर क्या है, अगर इसको समझना चाहो हमारे बड़े हैं, अगर इसको समझना चाहो तो पूरा सही ना हम हर चीज को ऐसा करके मानेंगे। उस मंजिल पर पहुंच जाए एक मरतबा से हम अपनी फिक्र को मुसलसल कर लेते हैं। ये लेकिन हर चीज को हमने एहसास करके इमाम मुबीन में रख, इमाम मुबीन में रख दिया। उलमा ने मुफस्सिरीन ने यहां इमाम मुबीन के माना किताब मुबीन के लिए, किताब मुबीन के लिए हम तो एतराज नहीं, इसलिए कि हम उलमाए आम्मा से इख्तलाफ नहीं करना चाहते। किताबें मुबीन में रखा इसलिए लाफी किताब मुबीन कोई कर और कोई खुश ऐसा नहीं जो किताब मुबीन में न हो। अगर किताब मुबीन ही इमाम मुबीन है तो यकीनन ये किताब मुबीन का कोई बातिन होगा, जाहिर में तो कोई चीज नजर नहीं आ रही है। आहार आलम के कहने काम तक हमको सारी चीजें मिल जाए जो किताब मुबीन का कोई बातिन होगा। और अगर किताब मुबीन का कोई बातिन है तो इसको हम तस्लीम करते हैं, इसलिए कि इन्हीं कुरान करूँ की किताब मखनी लाइन से कुरान करूँ किताब मखनून में है, इसको मख नहीं कर सकता मरता है। ताहिर के माना ये नहीं है कि आज निजी करके मत करूँ, ताहिर के फकत ये माना नहीं है कि आप नजासतों को दूर करके इस कुरान को मत करें, नहीं ताहिर कुरान की इस्तेलाह में वो है कि गुस्सा नहीं लाला कलून, जहाँ अक्ल नहीं है वहाँ नजासत है, जहाँ तहारत है वहाँ अक्ल ही अक्ल है। तो जो साहेब अक्ल है जो किताब मखलूम से पहुंच सकता है, जो साहेब अक्ल नहीं है जो किताब मखलूम तक नहीं पहुंच। अब आप जरा सी बहुत आगे बढ़ रही है, लारत दुनिया लाया बेचने ला की किताब मुबीन तो इसका वैसे खुश ऐसा नहीं जो किताब मुबीन में है। उलमा ने कहा कि इमाम मुबीन किताब मुबीन है तो किताब मुबीन हमको तस्वीर, मगर फिर एक बार किताब मुबीन का आईना कहा है, इसके किताब मुबीन का आईना कहा है ये लग खास लग इस सलाह में तफज्जुद की, इसलिए मैंने अर्ज किया वो ये कि इंसान कामिल मेरे अपे जमाल इलाही है, मेरे अप नील मेरे अलिफ इसका अलिफ फिर से मेरा अप आईना, मेरा आईना मेरे अप जमाल इलाही है, इंसान कामिल जमाल इलाही का आईना है। तो जाहिर है जो जमाल इलाही का आईना हो जो किताब मुबीन का भी आईना हो, इसलिए तो सारा जमाल इलाही किताब मुबीन में। मैं और समझाना चाहता हूँ, किताब मुबीन बगैर मीदान का नहीं है। क्या ख्याल है आप, किताब मुबीन बगैर मीदान का नहीं है। आपको मानिए ना दुनिया में छोटी छोटी जमातों से
बच्चों को जोग्राफिया भी कर और हर जोग्राफिया की किताब में नक्शे होते हैं, हर नक्शे के नीचे एक सिक्के होता है। तो इस नक्शे को समझना हो तो देखो इतने इंच के माना इतने माइल के होते हैं। तो इस तरह से नक्शे में किसी मकान का तयन बगैर स्केल का नहीं होता, कोई नक्शा स्केल का बगैर नहीं है, तो स्केल ही जब निर्धारण करते हैं। और हर नदी आया है दो चीजों को लेकर, किताब और मीनार। जो सिवाय हदीस की आए जो नदी आया किताब और मीजान को लेकर आया ताकि मीजान से किताब को समझे। अगर मीजान में हो तो किताब समझ में आए, मीजान से पता चले तो किताब में क्या है। किताब किताब वो जामे इल्म है कि इस किताब में आपका, आपके आबा व अजदाद का, आपकी नस्लों का, आपके रहने के मकाम का, महल्ले का, घर का, ये सब जिक्र है इस किताब में है। बशर्ते के निदान के नजर हो, निदान के नजर हो। अभी मंजिल है इस निदान की कैफियत को और समझ लो। हजरत ईसा इब्न मरियम कहते हैं इन्नी अख्लुकु लकुम मिन अत्तीन, कहा या कि शायर में तुम्हारे लिए अब मिट्टी से परिंदा बनाऊंगा, पंख को की इसे फूंकूंगा मैं, है या पूरा तवरन बिस्मिल्लाह ये परिंदा उड़ने लगेगा अल्लाह के हुक्म। वह उब्रिल अकमहा वाला पैसा मैं नादीना को आंखें लूंगा, मरीज को छुपा दूंगा, वो उब्रिल मौता बिस्मिल्लाह मैं मुर्दा को हिलाऊंगा अल्लाह के हुक्म से, नहीं मौता मुर्दों को हम दिलाते हैं। ये कोई अजीब मंजिल है, अजीबा निगरानी मालूम नहीं क्या बात है। मिल्लत की हैरानी इस मंजिल पर इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि अगर यहाँ गुफ्तगू फिर जाए तो दुनिया यही कहेगी कि ये रुलू के मनाजिल तय हो रहे हैं। एक बात इतनी याद रखेंगे कि जाते वाजिब में बहुत सी ऐसी चीजें कि कभी उनको अपनी तरफ मंसूब किया, कभी नबी की तरह मंसूब किया, कभी मलाइका की तरह। मौत का अल्लाह हो तवफल अंकु अल्लाह रूह हो संस्था दूध लोग बता जो तवस्था है नहीं मलाइका, मलाइका उनको मौत देते हैं, मलाइका रूह कहते हैं। दूध लोग बता ये तवस्था है मला कोई मौत, मौत का फरिश्ता रूह कहता है। तो रूह का फैसला कभी उसको हिम्मत अपनी जात के दी, कभी फरिश्तों के दी, कभी मेरा कोई मौत। तो आप जो अरवाह अगर से जात हकीकी है लेकिन अगर अपने इबरत इख्तियार से किसी को ईदन दे दे और यह देखिए काबिल अरवाह अगर से जात हकीकी है लेकिन अपनी तरफ से किसी को इन दे दे तो हर एक फरिश्ता मौत का फरिश्ता बन जाता है। उसी तरह आयत अक्षम अगर से वही आयत हकीकी है तो जिसको चाहे अलग करे मगर अपनी तरफ से इन दे तो हर बंदे में यह ताकत हो सकती है कि जो मकान उर्द इलाही बजाए वो जिसको चाहे कर्ज करे और जिसको चाहे जिंदगी अता करे। वहाँ घबराने की बात क्या है, न सूख है न बेदात है न कुब्र है न इस्लाम से हटना है, ये तो अल्लाह की कुदरत को मानना है कि तू इतना काबिल है जो जिंद बंदों को चाहे इजाजत मेरी बातों को आप तवज्जो से महफूज कर रहे। काबिल अरवाह जिसको चाहे अब जरूर चाहे दीजिए, काले प्रयास जिसको चाहे खालिश की इजाजत दे इन्हीं अपने को लखन नक्सी है। जैसे ईसा मरियम
वो उनदोषम यही कठिन था, वो उनदोषम जमा सा सुनू जो मैं सबका करूँ, मैं ये भी बता सकता हूँ कि तुम्हारी रिजा क्या तुम क्या खा रहे हो, यह बता सकता हूँ कि तुम्हारे घरों में क्या है। आपने देखा वो नबी जो किताब के साथ आया है निजाम बन के, वो ये बतला करता है कि तुम्हारे घरों में क्या है, और यही वजह है कि मैंने कुछ दिनों पहले एक जिला मुलमिन के खुदबे से तिलावत करने की इज्जत हासिल की थी कि लाइक या और बहरा कोई अगर मैं चाहूँ तो तुमने से एक एक आदमी को बतलाऊ दे नखरा दे ही या भाग ले दे ही यह बतलाऊ कि वो कहाँ से चला है, कहाँ पहुंचने वाला है, उसकी जिंदगी क्या है, उसका आवाज क्या है, उसका अंजाम क्या है, लाइक आई थी। और अगर ऐसा मैं करूँ तो कहता हूँ इन अफाओं की अंतक पूरी सिद्धा दे रसूलुल्लाह, अगर मैं ये ऐलान करता जाऊँ तो कहता हूँ कि कहीं कहीं तुम मेरी वजह से अल्लाह के रसूल से काफिर न हो जाओ। अब इसके बाद वहां तक कोई जिंदगी ही गुफ्तगु थी। अब और जुमला उसी खुद देता वल्लाह से मुसीबत हुई खास का, लेकिन मैं यही अपने खास दोस्तों को दूंगा। ये मंजिल वो है जहां ईसा सुख है, ईसा सुख है, ईसा इस मकाम तक है कि अल्लाह कई दिन से ये करूंगा, अल्लाह कई दिन से ये करूंगा, मगर इससे आगे नहीं, मगर यह मंजिल है इमाम मुबीन की। कोई ऐसे ये नहसा ना हो कि इमाम मुबीन ये इमाम मुबीन की मंजिल है। इन मुसीब यही खासा, लेकिन मैंने ये तय किया है कि अपने ख्वाब से मैं ये इल्म दे दूंगा। रावी बयान करता है कि पीछे के बाजार में खड़ा हुआ था कि दो आदमी आए और एक दूसरे से बातें करते हुए खड़े थे, विशेष विधा खरीद रहा था। एक दूसरे ने कहा विधा खरीद के क्या करोगे, तुम्हारी दाई तो तुम्हारे लहू से सोख होने वाली है। एक दूसरे ने मुस्कुरा के कहा मेरी दाई पर लहू को देखने वाले किसके कई दरख्त से चूली दी जाने वाली है। और ये कहकर दोनों आगे बढ़ गए। मैं कह रहा हूँ इन राजी ने कहा मैं दिल में सोच रहा था ये कैसे दीवाने हैं जो आने वाले जमाने के मुताबिक गुफ्तगू कर रहे हैं। कैसे में एक शख्स आया तीसरा आदमी और उसने कहा कि क्या यहाँ मैसम आए थे, क्या यहाँ हबीब आए थे, तो कहा मालूम नहीं नाम उनके क्या है। जो दीवाने आए थे जो आपस में बातें कर रहे थे, तो उस आने वाले ने कहा कि उस शख्स ने ये हिस्सा छोड़ दिया कि जिस शख्स की दाई अपनी से खिलाफ होगी उसका सर 100 दीनार में बिकेगा। इसने कहा हम तो दो ही दीवानों का तस्करा कर रहे थे, जो तीसरा दीवाना भी शामिल हो गया, तो उन्हीं मुझी में रही खास सब मैं अपने खास दोस्तों को जरूर दूंगा। आपने देखा सलमान को सलमान बनाने वाला, कुमारी को कुमारी मौसम को मौसम बनाने वाला, अम्मार को उसकी मंजिलता करने वाला, वो इतना बुलंद है कि एक एक के माफी जमीर से वापिस है, एक एक की हकीकत से वापिस है। इजाज मैं सबसे नहीं कहूंगा, मगर मैं अपने ख्वाब को यकीन दूंगा। और एक और मंजिल आ जाती है, एक और मंजिल इससे बदल है। अमीर उम्मीद का यह इशाद कि मैं अपने ख्वाब से यह इल्म दूंगा अना नहीं है, ये अमीर उम्मीद का अना नहीं है। अगर के मैंने गुज़िश्ता साल रमजान की तफ़सीर की तकरीरों में एक जुमला कहा था कि शायद मुझे अभी याद आया कि अनाए अली ऐसे नहीं है, हमारे अली यही कही आए थे तो जब अली कहते अना 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 तो उस मंजिल को कहते अनंत नदी अना सिरात अल मुस्तकीम अना इमाम अल मुबीन।
तो ऐसा मालूम होता है कि मोमिन एक वज्र के आलम में आता है कि अली इस तरह से अना अना कहते हुए जा रहे हैं तो अना अली ऐसे मोमिन है। मगर बजाहिर यह खुद सिपाही नहीं है जो आप कर रहे हैं कि मैं अपने असाब खास को यही लूंगा, बल्कि यह हिदायत है, ये हिदायत है कि अब जमाना कयामत तक आगे बढ़ रहा है। अब जो भी नबी इनकी मंजिल पर आए वो अगर अहम पाए तो इन जैसा जाए, ये बहुत अजीब मंजिल है, अगर अहम पाए तो इन जैसा जाए। अंबियाए मुसल्ली में ये मैंने अपने मुताले में किसी को इस तरह से नहीं देखा कि जहां अंबिया ने अपना इल्म अपने दोस्तों को दिया। एक मिसाल के तौर पर आसफिक ने परसिया का नाम आया, मगर इनके लिए कुछ मौरखी ने लिखा कि ये मंसूर है और शायद ये भी मकाम नबूवत पर फाइज थे और ये भी शायद अंबिया की तादाद में आ रहे हैं, ये इसके अलावा और कहीं नहीं देखा। मगर ये इशारा कि मैं दे रहा हूँ खवास को या इल्म, ये हिदायत है हसन इब्न अली के हुसैन के सैयद सज्जाद के लिए कि तुम भी इमाम मुबीन हो, अगर किसी को अहल पाओ तो बता दो, बता दो। और यही वो मंजिल है कि एक ही बारगाह में उलूम को हासिल करने वाले आस्तान हजरत मूसा बिन जाफर इमाम रज़ा सल्लल्लाहु वसलामहु अलैहि से, यानी मोहम्मद इब्न उमर भी है और इब्न जुर्राज भी। मोहम्मद इब्न अबी उमर को हारून ने बुलाया, बुला के कहा कि वो दफ्तर लाओ जिसमें इमाम के दोस्तों का नाम लिखा। मेरे पास कोई दफ्तर नहीं है, कहीं को ताजिया ने मारू मुसलसल ताजिया ने, कहीं गमला को दफ्तर गमला को दफ्तर। उसके बाद फिर इनको जिस्मानी तकलीफ दी गई, मोहम्मद इब्न अबी उमर बयान करते हैं कि मैं उस मंजिल पर था कि अब तकलीफ मुझसे बर्दाश्त न हो सकी, ताजिया ने जब मैं हारून के दरबार में था मगर मेरे कानों में इतने दुर्रात की बहुत दूर से आवाज आई कि अभी उमर खबरदार सब का दामन हाथ रखो। आपने देखा कि एक इस तरह से तसलसल हो जाता है दोस्तों में, एक रक्त हो जाता है दोस्तों में, जब दोस्त दोस्त को किसी हालत में नजरअंदाज नहीं कर सकता। बार सूरत इमामत के लिए यह लाजिम है कि हर शय इसमें हो, वो किताब सही इमाम मुबीन या किताब का वो पैसर इंसानी के जिसमें किताब समा जाए, जिसमें किताब आज मन यही पर पहुंचकर मैं दो तीन बातें अर्ज करूंगा और आपकी हद तक जाहिर खत्म हो रहा है। आपको ये दुआ करूं इमाम मुबीन को किताब मानने वाले दूसरे मकाम पर जितनी आयतें हैं उनके लिए क्या ताबीर करेंगे, हर मकान पर माना बदलते जाएंगे। यौम नदउल्लाह से देना नहीं करामत के दिन इंसानियत के हर ग्रोह को इस संविधान के साथ बुलाया जाएगा, माना बदल जाएंगे। जो इमाम हिंद उनको अपने इमाम के साथ बुलाया जाएगा। किताब मुबीन एक है, इमाम मुबीन एक है, अरे अपने इमाम को लेकर आए, अपने इमाम को लेकर आएगा। इस बात को जहाँ दो किस्म के इमाम है, यहदी ने यही जन्ना वो यदी ने जन्ना, दोनों मकान पर लग जाए आया है
أئمة يهدون إلى الجنة وأئمة يدعون إلى النار. أئمة كفر ہے، أئمة إيمان ہے. کافر آئے گا تو اپنے سردار کو لائے گا، مومن آئے گا تو اپنے سردار کو لائے گا. وہ کتاب مبین کے کیسے مانا ہوں گے؟ دوسری منزل سے ہے اثر کی آئے اور بہت سارے کام ارشاد ہوا کہ مرید ہم نے یہ ارادہ کیا، ہم نے اتنا نہم نحی الموتا، ہم مردوں کو دلاتے ہیں، ہم نے ارادہ کیا کہ مرید ان زمنا کہ ہم احسان کریں الذی نسل اصول دلار، ان لوگوں پر احسان کریں جن کو دنیا کمزور بنا رہی ہے، جن کو دنیا ضعیف بنا رہی ہے. وہ نج الحم امت وہ نج الحم الارثین، ان کو امام بنا نسألهم أئمة ونسألهم الوارثين. إمام کی جگہ جماعة أئمة ہے. اب کون سے کتاب سے معنی کیے جائیں گے؟ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ جن کو دنیا نے کمزور بنایا ان کو وارث بھی بناؤ. امام بھی ہے. نسألهم أئمة ونسألهم الوارثين. امام بنائے، وارث بنائے، سلطانی نہیں، شاہی نہیں، زمین پر قبضہ و تسلط نہیں. دو لوگ استعمال کیے، وہ ایمان ہے اور وارث ہے. وہ دو لوگوں کا تعلق سے دیکھیے، جو ایمان ہوتا ہے وہ وارث ہوتا ہے، جو وارث ہوتا ہے وہ ایمان. السلام علیکہ لا وارث آدم صدقہ اللہ، السلام علیکہ لا وارث مرحو نبی اللہ. جو امام ہوتا ہے وہی وارث ہوتا ہے، جو امام نہیں ہوتا وہ وارث نہیں ہوتا. لقد كتبنا في كل من بعد الشكر ان الارض زيفها عبادي الصالحين. ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ ہمارے زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے. ہماری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے. بادشاہ نہیں، بادشاہ کا تخت اور ہے، ایمان کی وراثت اور ہے. وارث عرض ہے امام، وارث عرض مات بکی مات کا حکومت کر رہا ہے. اگر نجومی نے یا ساحر نے جادوگر نے اگر خلا سے منشائے امام اگر یہ حرکت کرنی چاہیے کہ دس سے ہم دس ہارون کی موجودگی میں نرالے کو اڑا دے ہوا میں، تو وارث عرض وہ ہے جو زمین پر بچھے ہوئے قالین پر بچھے ہوئے شیر کے رنگ پر ماہر بتائے. خدا بندہ ہم کو کامل ہونا، ہمارے ہلاک ہو جائے، ملت کے متحد کر ہم نے سب سے مستحکم فرمایا.